नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। में हूं आपके साथ महेश जैन। हम बात करते हैं नियमच न्यायालय के उस बड़े फैसले की जो वर्ष 2011 से फर्जी घनश्याम धाकड़ एक्सीडेंट मर्डर केस में चल रहा था, जब कुख्यात तस्कर जो पुलिस जिसकी तलाश कर रही थी उसको लेकर एक साजिश रची गई, और साजिश के तहत घनश्याम धाकड़ को फर्जी एक्सीडेंट मर्डर केस करके उसको फर्जी तरीके से मृत बताने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस विवेचना में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और 11 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसके बाद 2011 से केस चल रहा था, जिसकी सुनवाई आज जिला एवं सत्र न्यायालय नीमच में हुई। और जो जिला न्यायाधीश हरदेश श्रीवास्तव ने इस केस में बड़ा फैसला दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज 11 आरोपी में से 6 आरोपियों को सजा सुनाई गई, जिसमें से 5 आरोपी घनश्याम धाकड़, बंशी गुजर, महेंद्र उर्फ पप्पू गुजर, उमा शंकर सहित 5 आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं एक आरोपी बंशीलाल धाकड़ को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ इसमें 3 आरोपियों को बरी भी किया गया है। नीमच न्यायालय का बड़ा फैसला आज, जहां हम आपको बता दें कि घनश्याम धाकड़ चर्चित फर्जी एक्सीडेंट मर्डर केस का बड़ा फैसला आज नीमच न्यायालय में सुनवाई के दौरान देखा गया, जहां आरोपियों को जेल भेजा गया है। साथ ही साथ वक्त की बड़ी खबर नीमच से, जहां चर्चित मामला घनश्याम धाकड़ फर्जी एक्सीडेंट मर्डर केस में नीमच न्यायालय का बड़ा फैसला आ जाया है, जहां काफी लंबे समय से केस चल रहा था, कुख्यात तस्कर को किस तरीके से एक साजिश रचकर मृत बताया गया था, जिस मामले में पुलिस ने पूरी विवेचना की, काफी तारीफ हुई, जहां पुलिस की विवेचना ही मुख्य रूप से रही, जिसमें इस केस की जो फैसला है उस फैसले की सुनवाई की गई। ये घटना जो है बहुत चर्चित घटना है, और जैसा कि सबको ये बात ज्ञात है कि एक घनश्याम धाकड़ करके जो व्यक्ति था, उसने अपने आप को मृत घोषित करके और एक अनजान व्यक्ति की हत्या करवा के उसको भरभड़िया फंटे पे रख दिया था। घटना जो है दिनांक 9/3/2011 की है, और उस दिन जो कैंट थाना पुलिस नीमच है उसको ये सूचना मिली कि भरभड़िया फंटे पे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी एक्सीडेंट में हुई है। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुँची और जब लाश की तलाशी ली गई, तो उस लाश की जेब में से घनश्याम धाकड़ के वोटर आईडी, पहचान पत्र और गाड़ी के कागजात व अन्य दस्तावेज मिले, जिससे ये प्रतीत हो कि ये जो लाश जो पुलिस को मिली है और जो एक एक्सीडेंट के रूप में मिली है, उससे ये ऐसा प्रतीत हो कि मरने वाला जो है घनश्याम धाकड़ है, और घनश्याम धाकड़ की जो पहचान जो है उसके मामा का जो लड़का था, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ग्राम दारू का निवासी है, उसके मामा के लड़के ने जो है उसकी शिनाख्त करी, और उसने ये पहचाना कि ये जो लाश है ये मेरे मामा के लड़के की और घनश्याम धाकड़ की है, और इस आधार पर ये माना गया कि घनश्याम धाकड़ की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। बाद में पुलिस को मुखबिर से ये सूचना मिली कि घनश्याम धाकड़ जो है एक्सीडेंट में मरा नहीं और वो जीवित है। तत्पश्चात पुलिस के द्वारा एक मुखबिर सूचना के आधार पर घनश्याम धाकड़ को जिंदा अपने साथी एक उमा शंकर, जिसमें उसको भी सजा दी है न्यायालय के द्वारा, उसके द्वारा वो जब बावल से रतनपुरिया होते हुए राजस्थान की तरफ जा रहा था, तब पुलिस ने उसको धर दबोचा, और इस बात का ये बात सिद्ध हुई कि जो लाश पुलिस को ये बताई गई थी कि घनश्याम धाकड़ की मृत्यु जो एक्सीडेंट में हो चुकी, वो घनश्याम धाकड़ नहीं था और घनश्याम धाकड़ जीवित है। घनश्याम धाकड़ के पकड़ने के बाद पुलिस उसको उसके गाँव लेके गई और उससे पहचान करवाई उसके परिवार वालों से कि ये जो जिंदा व्यक्ति हम पकड़ के लेके आए ये घनश्याम धाकड़ है। ये जो है पूरा प्रकरण की जो है परिस्थिति थी। उसके बाद जो है पुलिस ने जांच करी और जांच में ये पाया कि इसके अन्य साथी कौन कौन और मददगार इसके लोग थे, तो मददगार लोगों में ये पाया कि बंशी गुर्जर से जो है ये घनश्याम धाकड़ बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और बंशी गुर्जर की स्टोरी को ही फॉलो करते हुए इसने ये स्टोरी अपनी बनाई थी, क्योंकि बंशी गुर्जर के ऊपर भी लगभग यही केस है कि उसके द्वारा भी एक फर्जी एनकाउंटर बना के, वो केस भी शायद अभी CBI वगैरह कोर्ट में चल रहा है, तो इसने बंशी गुर्जर से प्रभावित होकर इस पूरी जो है घटना को अंजाम दिया कि अपने आप को मृत घोषित कर दिया। तो उसके उपरांत जो है पुलिस ने जांच करके घनश्याम धाकड़ को जो है जिंदा पकड़ा, और इसमें सहयोग करने वाले जो थे, उमा शंकर था, पप्पू गुर्जर था, वह अन्य 4 लोग और जो थे, अन्य 6 लोग जो थे वो अलग अलग तरीके से इसके साथ इस हत्या के षड्यंत्र में जुड़े हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति को मालखेड़ा फंटे पे फेंका गया, और जो सबकी अलग अलग इसमें भूमिकाएं रही, सब इसमें षड्यंत्र में शामिल थे। किसी ने मृतक की लाश में जो है घनश्याम धाकड़ का वोटर आईडी रखा,
किसी ने उसकी हत्या करी, किसी ने उसकी पहचान करी। तो आज विभिन्न धाराओं में आज इस हमारे जो जिला है सत्र न्यायाधीश महोदय हरदेश श्रीवास्तव उसके न्यायालय उनके न्यायालय में आज जो फैसला हुआ तो न्यायालय ने जो है 6 आरोप इसमें जो है आरोपी जो जितने भी आरोपी थे सबको अलग अलग धाराओं में जो है दंड दिया गया। और जो दंड दिया गया आरोपी घनश्याम धाकड़ महेंद्र उर्फ पप्पू गुर्जर उमाशंकर उर्फ निर्मल पिता रामचंद्र धाकड़ उमाशंकर पिता बद्रीलाल धाकड़ बंशीलाल बंशी उर्फ शिवा गुर्जर को प्रत्येक को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास तथा 100 रुपये का जुर्माना व ये अदा नहीं करने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा दी तथा 120 भारतीय दंड संहिता में भी इनको आजीवन सश्रम कारावास सुनाया गया और वही 100 रुपये का जुर्माना करते हुए अगर ये अदा नहीं करते तो 1-1 साल की और भुगत ही जाए। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो आरोपी थे आरोपी बंशीलाल धाकड़ को धारा 201 भारतीय दंड संहिता बंशीलाल धाकड़ वो व्यक्ति है जो घनश्याम धाकड़ के मामा का लड़का है और जिसने लाश की शिनाख्त घनश्याम धाकड़ के रूप में करी थी उसको 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। और अगर वो जुर्माना अगर वो नहीं देता है तो उसको 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास दिया गया। उमाशंकर उर्फ निर्मल धाकड़ पिता रामचंद्र धाकड़ को 200 धारा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 4 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया। और ये उमाशंकर वो व्यक्ति है जब घनश्याम धाकड़ को पुलिस ने जिंदा पकड़ा तब यही उसको मोटरसाइकिल पे बिठाकर रतनपुरिया बावल के रास्ते से राजस्थान ले जाने वाला था। तो इसको 4 साल का कारावास दिया गया और सबको अलग अलग इस तरीके से सजाएं दी गई। इसमें 3 व्यक्तियों को न्यायालय ने उनके खिलाफ केस प्रमाणित नहीं पाते हुए 3 लोगों को बरी भी किया गया। उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 अन्य लोगों को जो है बद्रीलाल गोपाल कंवरलाल और रामकरण को इनको जो है न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त किया गया। कितने पेज की प्रोसेडिंग रही, कितने गवाह रहे का? इसमें अभियोजन के द्वारा जो है काफ़ी गवाह कराए गए थे और काफ़ी लंबा प्रोसेस चला क्योंकि ये दोनों केस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है बंशी गुर्जर का और घनश्याम गुर्जर का और बहुत चर्चित केस था और काफ़ी लंबे समय से चला। वर्ष 2011 की घटना है लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें पुलिस ने जो है ये बात सिद्ध करने में सफल रही और सबसे पहली सफलता पुलिस की ये थी कि घनश्याम धाकड़ को एक योजनाबद्ध तरीके से इन सारे आरोपियों ने मिलकर जो मृत घोषित कर दिया था उसे वापस जिंदा रूप से उसको पकड़ा। और ये हमारे क्षेत्र का दूसरा केस है कि पहले एक बंशी गुर्जर का हो चुका जिसको एनकाउंटर में पुलिस के द्वारा मृत बताया गया था या स्वयं के द्वारा मृत बताया गया था और वो फिर जिंदा निकला और उसी को फॉलो करते हुए इस घनश्याम धाकड़ ने अपने आप को मृत घोषित कराया था। और उसके जितने भी सहयोगी साथी है आज उनको विभिन्न धाराओं में न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजन्म कारावास की सजा दी।